जो भी प्रेडिक्शन हम आपको बताते हैं वो तकरीबन बिल्कुल सही निकलती है कि कौन सी टीम किस तरह खेलेगी, क्या खेलेगी, किस तरह उनका रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड आपको बताते आ रहे हैं। अब जो हम बताने चल रहे हैं आईपीएल 15वां सीजन का ये 14वां मैच है जो खेला जाएगा, आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल के दरमियान मैच खेला जाएगा। बड़ा तगड़ा मैच खेला जाएगा और देखना इस मैच में आपको बड़ा मजा आएगा। और ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच खेला जाएगा। और वही वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का ग्राउंड यहाँ पे चेंज करना ही थोड़ा आसान होता, हाँ 180-90 रन जहाँ बन जाते हैं वहां पर काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कल हुआ 180 रन, उसे डिफेंड किया, फिर आज भी इसको ऐसे ही नजर आया 177-178 रन। क्योंकि कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग जो है शुरुआती वो थोड़ी इतनी खास नजर नहीं आ रही, जो से जो राजस्थान अपना लखनऊ की नजर आ रही थी। बॉलिंग भी उनकी अच्छी थी और बैटिंग भी उनकी अच्छी थी, उन्होंने एक अच्छा टोटल सेट किया, 9 रन पर एवरेज अच्छा स्कोर होता है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि सनराइजर हैदराबाद शुरू में त्रिपाठी की अच्छी बैटिंग चल रही थी, कैम विलियम्सन जल्दी आउट हो गए और त्रिपाठी ने अच्छा दिया था, 36 रन तक बनाए थे, मैंने देखा था उसके बाद पर वीडियो बना रहे हैं मैच अपना सनराइजर हैदराबाद ने लूज कर लिया है और काफी अच्छा मैच हुआ है, 12 रन से मैच हारे आखिरी ओवर में, 3 विकेट गिर जाना, नीचे भी इनके पास बैटिंग नहीं, ऊपर भी नहीं है, फिर मिडिल ऑर्डर में कुछ बैट्समैन है, केन विलियमसन को जिम्मेदारी लेनी होगी अगर आगे के मैचेस जीतने हैं, उन्होंने 2 मैच खेले दोनों आ रहे हैं। अब जो हम बात करेंगे आईपीएल 15वें सीजन की 2022 जो खेला जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा मैच, ये आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल के दरमियान खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल और आरसीबी के दरमियान पिछले कितने मैचेस खेले जा चुके हैं वो हम आपको बताते हैं कि इनके दरमियान कितने मैचेस खेले गए हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, एएमबी स्पोर्ट्स को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबा के रखें ताकि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलते हैं, हम 12 मैच जीता आरसीबी, 10 मैच जीता है राजस्थान रॉयल, माने 22 मैच दोनों के दरमियान खेले गए हैं। दोनों में से आरसीबी ज्यादा तगड़ी नजर आती है, पहला सीजन जीती थी राजस्थान रॉयल, उसके बाद अब तक नहीं जीत पाई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट बैटिंग में 4 मरतबा राजस्थान रॉयल जीती है और 3 मरतबा आरसीबी जीती है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। फिर सेकंड बैटिंग में हम देखें तो 6 मरतबा राजस्थान रॉयल और 9 मरतबा खेले हैं जीते हैं रॉयल चैलेंज बैंगलोर, क्योंकि 9 दफा जीते हैं। इनके पास एक लेजेंड बैट्समैन, तगड़े बल्लेबाज, चेस के माहिर विराट कोहली इस टीम का हिस्सा है। फिर हम देखते हैं राजस्थान रॉयल के पिछले 5 मैचेस, जो पिछले सीजन के दोनों मैचेस राजस्थान रॉयल जीता है संजू सैमसन की कैप्टनसी में, उससे पहले वो लोग 2 मैच हारे थे, 1 जीता था, मगर इस सीजन के दोनों मैच जीते आ रहे हैं। इस दफा इनके इरादे बड़े मुख्तलिफ मुझे नजर आ रहे हैं, बड़े खतरनाक इरादे नजर आ रहे हैं, हो सकता है ये आगे चल के अच्छी पोजिशन लें। और आरसीबी के पिछले 5 मैचेस में से हम देखेंगे वो 3 जीते हैं, 3 हारे हैं और 2 जीते हैं इन्होंने, पिछला मैच आरसीबी ने जीता था और 1 हारा है। इस सीजन का इनका दोनों टीमों का 3रा मैच है और दोनों के दरमियान पिछले 10 मैचेस खेले गए हैं जिसमें 4 मरतबा राजस्थान कामयाब हुई है तो 6 मरतबा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीती है। फिर हम आगे चलते हैं, तीनों मैचेस लास्ट के तीनों मैचेस आप देखें तो वो आरसीबी ने ही जीते हैं। आरसीबी ने 7 विकेट से जीता, 10 विकेट से जीता, 7 विकेट से जीता, मानव के चेस करने के मास्टर है, मानव के बेहतरीन टीम है, विराट कोहली फाफ डुप्लेसी बेहतरीन टीम है, एक बड़ी तगड़ी टीम नजर आती है। हम आगे इनके प्लेयर्स भी बताते हैं कि कौन कौन से प्लेयर दोनों टीमों में खेल रहे हैं। राजस्थान रॉयल तो इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो एक मैच जीती भी है और एक मैच हारी है, मगर राजस्थान अपने पिछले दोनों मैच जीत कर आई है। हम आगे चलते हैं तो राजस्थान रॉयल का यहाँ पे 50% जीतने का रेशियो है और आरसीबी का भाई 50% है, मतलब की इधर ये बराबरी में नजर आती है टीमें। फिर हम मौसम का हाल देखते हैं, 29 सेंटीग्रेड है यहाँ पर और पिछले 27 मैच 87 मैचेस का हम रिकॉर्ड निकाले वानखेड़े स्टेडियम में, तो 48% बैटिंग करने वाली टीम जीती और 51% बॉलिंग करने वाली टीम जीती है, 48% बैटिंग करने वाली और 51
बॉलिंग करने वाली टीम जीती है और यहाँ पे एक बार फिर टीम जो है टॉस जीत के बॉलिंग करने का ही फैसला करेंगे। वानखेड़े स्टेडियम अभी तक मुंबई और पुणे के अंदर ही मैच चल रहे हैं, काफी लंबी आईपीएल लीग होती है ये, बड़ी लीग है ये, इसमें काफी मैचेस हैं, 10 टीमें हर टीम के 18-18 मैचेस भी खेले जाएंगे यहाँ पर। आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं आरसीबी की टीम इधर एवरेज फर्स्ट स्कोर है इसका, ठीक है ना, 166 इस ग्राउंड में और सेकेंड इनिंग में यहाँ पे 154 रन बनते हैं, मतलब कि चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर यहाँ पे चेस रात को जल्दी अच्छा हो जाता है। अगर आप 180-190 रन बन जाते हैं यहाँ पर तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अगर शुरू के 6 ओवर 10 ओवर में आपके एक आध दो विकेट गिरते हैं तो फिर चेस करना आसान हो जाता है। और इस तरह पहली बैटिंग में भी ऐसा ही है, अगर आपने 10-12 ओवर पहले बैटिंग इनिंग में सर्वाइव कर गया एक दो आउट तो फिर वो लंबा रन की तरफ ले जाते हैं, 180-190 रन फिर यहाँ पे डिपेंड करना आसान हो जाता है। फिर 67 यहाँ पे लोएस्ट है, केकेआर के ने मुंबई के खिलाफ किया था, फिर भी 198 है मुंबई 11 और किंग 11 पंजाब, अभी पिछला मैच हुआ था मुंबई इंडियन इनिंग बना भाई थी, फिर लोएस्ट डिफेंड 118 का सनराइजर हैदराबाद और मुंबई के दरमियान खेला गया था। फिर यहाँ पे हम देखें तो पेसर्स के खाते में 77% आती है विकेटें और स्पिनर्स के खाते में 23% आती है। फिर हम यहाँ पे देखें पिछले 3 मैचेस तो हम ऊपर से आते हैं तो केकेआर ने जीते हैं, फिर गुजरात टाइटंस ने जीता है मैच, फिर केकेआर ने जीता, केकेआर ने अपने दोनों मैच जीते हैं, एक 6 विकेट से जीता है और दूसरा मैच भी 6 विकेट से जीता, और गुजरात टाइटन ने भी 5 विकेट से मैच जीता है लखनऊ के खिलाफ। वो मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करने का ही डिसीजन लेती, और आप भी ये देखें कि टॉस से अगर जो टीम जीतती है तो उसका फेवर लें। हाँ, 10 ओवर में अगर पहली इनिंग में कोई विकेट ज्यादा 2 विकेट से ज्यादा नहीं गिरता तो समझ लें कि स्कोर अच्छा बनेगा, तो आप अपने आप को मूव कर लें फर्स्ट इनिंग की तरफ। फिर हम अगर देखते हैं राजस्थान की टीम देखते हैं तो संजू सैमसन यहाँ पर है, कैप्टन भी है, विकेट कीपर है, फिर जॉर्ज बटलर हैं, वंडर डसन है साउथ अफ्रीका के, शैमरॉन हेटमर वेस्ट इंडीज से, मानव जयसवाल हैं, बड़े बेहतरीन बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन है, वेस्ट इंडीज से ताल्लुक है, हेटमर का पिछले मैच में बड़े अच्छे तगड़े छक्के लगाए थे उन्होंने, जॉर्ज बटलर का तो ताल्लुक करना ही मतलब के अपना ही बड़ा नाम है जॉर्ज बटलर का। संजू सैमसन बड़ी अच्छी कैप्टनसी और इनिंग खेलते हुए आ रहे हैं, दोनों मैचों में अच्छा खेला था इन्होंने और दोनों टीम मैच ये लोग जीतने में आए। फिर हम बात करेंगे बाद बॉलर की तो ट्रेंट बोल्ट है और मैके हैं, सेन है, सैनी है, जसविंदर चहल है, अब 3 बॉलर मैके, ट्रेंट बोल्ट और चहल, ये 3 बॉलर इनके हैं, ठीक है। फिर हम ऑलराउंडर्स में हम इनके देखें तो डैरल मिचेल है, जिमी निशम है, नेथन गॉर्डन नाइल है, रविचंद्र अश्विन दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स में इनका नाम आता है, जिमी निशम है, डैरल मिचेल है, अच्छे ऑलराउंडर है। फिर हम जाते हैं आरसीबी की टीम की तरफ तो विराट कोहली आपको नजर आएंगे, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में इनका शुमार होता है, फिर डीके हैं, डीके दिनेश कार्तिक विकेट कीपर है इनके, पैबलन एलियन वेस्ट इंडीज का लुक है, फाफ डब्ल्यूसी है, रावत हैं, सुजीत सतोड़ा है। फिर चलते हैं आगे इनकी तरफ, इनके बॉलर्स की तरफ तो हर्ष पटेल है, हेजल वुड इनके अच्छे बॉलर हैं, करण ड्रफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं तो वो नहीं होंगे, तो मिलेंड हैं, कॉल हैं, मोहम्मद सिराज हैं, अच्छे इनके केन शर्मा हैं, मतलब के जैश हेजल वुड पटेल सिराज तो इस टीम का हिस्सा होंगे, हेजल वुड भी होंगे। फिर इनके हम ऑलराउंडर देखें तो बेहतरीन ऑलराउंडर में इनका नाम आता है, ग्लेन मैक्सवेल का, हसारा सिंगा का आता है, फिर डेविड अपना विली है, रदरफोर्ड है, ये 4 बैट्समैन ऐसे हैं, 4 प्लेयर ऐसे हैं कि बेहतरीन है, ग्लेन मैक्सवेल किसी तारीफ के मोहताज नहीं, विली असंगा वेस्ट श्रीलंका से इनका ताल्लुक, रदरफोर्ड वेस्ट इंडीज से ताल्लुक है, तो ये 4 में से 2 तो ये टीम का हिस्सा होंगे, ग्लेन मैक्सवेल डेविड विली तो होंगे टीम में, फिर हसंगा या रदरफोर्ड में से कोई एक प्लेयर जरूर खेलेगा, इनके अच्छा आप रिकॉर्ड देखेंगे हम आपको, मैं आपको एक बार फिर ये बताता चलूं कि विराट कोहली चेस मास्टर हैं, वो मतलब कि यही अपने कप्तान को मशवरा देंगे फाफ डब्ल्यूसी को कि टॉस जीत के हम वानखेड़े में चेस करने जाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर 200 भी रन बन जाते हैं तो वो चेस हो जाते हैं,
राजस्थान रॉयल की हम अगर बॉलिंग देखें तो थोड़ा सा कमजोर नजर आती है राजस्थान के अपना आरसीबी के मुकाबले में। आरसीबी की बैटिंग भी बड़ी बैलेंस है, बॉलिंग भी बैलेंस है, ऑलराउंडर्स भी बड़े अच्छे हैं इनके राजस्थान रॉयल के। तो कल मैं आप टॉस जीतने के साथ जाए। दूसरा ये चैलेंजर बेंगलोर को पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग इनके साथ अगर रहे तो अच्छा है, शुरू अच्छे ओवर तो बड़ा अच्छा रहेगा। पहली इनिंग में रन्स थोड़ा हो सकता है कम बने, 40 रन तक बने या 35 से 40 रन के बीच में बने। सेकेंड इनिंग में कुछ तो ज्यादा 30 रन बन सकते हैं। अगर आउट नहीं होते पहली इनिंग में, 10 ओवर के अंदर एक दो आउट होते हैं, तो आखिर के 6 ओवर जो होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। फिर उसमें एक अच्छा टोटल सेट होता हुआ आपको नजर आएगा। और सेकेंड इनिंग में भी कुछ ऐसा ही होगा कि आप देखेंगे कि पहली इनिंग सेकेंड इनिंग में टीम मैच को लंबा करते हैं, रन ज्यादा तेज बनेंगे शुरू में। अगर आउट हो गए दो तीन प्लेयर 10 ओवर से पहले पहले तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट नजर आएगा। पिछले मैचेस में आपने देखा दिल्ली कैपिटल ने बड़ा अच्छा चीज किया था, 4 आउट आउट होने के बाद फिर थोड़ा मैच को लंबा कर लिया था उन्होंने। फिर 12 ओवर के बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रन को चेस किया। फिर एवन ल्यूज ने बड़े बेहतरीन बैटिंग की और 24 बॉल पे 58 रन बनाए थे और बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली थी उन्होंने। आरसीबी और रॉयल चैलेंज राजस्थान रॉयल इन दोनों के दरमियान मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। 14वां मैच बड़ा बेहतरीन होगा, देखिए देखना ना भूलिएगा। और जाते हुए एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। हमारा हर वीडियो आने वाले को आप देखें। आपको अल्लाह हाफिज़। आमिर मुख्तार बोरी का।